मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान पर पहुंच रही है और इसके आसपास के डैम पूरी तरह से भर चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई घरों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे गाँव में मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपातकालीन हालात से निपटने के लिए सेना को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए भोपाल में अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की, जिसमें बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है, जिससे सावधानी बरतने का निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अलर्ट रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। नर्मदा नदी पर बने सभी डैम से लबालब भर चुके हैं और इनके गेट खोल दिए गए हैं। नदी किनारे बसे गाँव में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस बाढ़ का असर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव में मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को जबलपुर के बरगी डैम, नर्मदापुरम के तवा डैम और रायसेन के बारना डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में मकान गिरने की भी खबरें आ रही हैं। जबलपुर का झांसी घाट पुल पानी में डूब गया है और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। बारिश का सिलसिला जारी रहने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार भी ढह गई, जिससे हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। कई जिलों में बाढ़ के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में मशहूर नदी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया। सागर, दामोह, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रायसेन जिले का सागर भोपाल मार्ग बंद हो चुका है, जबकि विदिशा और टीकमगढ़ में सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं।